काली शर्ट काली पैंट। ओ भाई बिल्कुल ड्राइवर मैच कर रही है। खेल और कंटेंट यही होगा, नोएडा आना पड़ा बहुत बारी। कैसा लग रहा है? 20,000 रुपए का नुकसान है। 20,000 रुपए का नुकसान हुआ भाई, सीधा सीधा 20,000 रुपए का नुकसान। तब मैं पीछे से मतलब ट्रिप पे जा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं मुझे दिक्कत आ जाएगी, वो मैं झेल लूंगा। तुम अच्छा तो चले पहाड़ में, बाबे चले पहाड़ में। एनीवेज भाई लोगों, ये जो रील है ना बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, ये वाला जो सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है लिटरली अल्टीमेट। बस हम भी बहुत जल्दी निकलने वाले हैं एक अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पर, बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद निकलेंगे। एनीवेज भाई लोगों, अभी अपन लोग चल रहे हैं यहाँ से मेरठ की तरफ, मैं, अंकित और चीकू। एक्चुअली एक हमारी फ्रेंड के सिस्टर की मैरिज है, ज़्यादा देर हम वहाँ रुकेंगे नहीं, बस जाएंगे कन्यादान वगैरह देंगे और भाई से मिलके वापस से आ जाएंगे। बस व्लॉग तो अपन इसलिए बना रहे हैं यार, रास्ते की जो मज़े मस्ती करते हुए जाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। फुल ऑन मस्ती करते हुए जाएंगे मैं, अंकित और चीकू। चीकू बस घर पर लेने आए हुए हैं, चीकू आ रहा है अभी, आपको दिख नहीं रहा। हड्डी जो है हमारी दिखती कम है भाई, बहुत लंबी है, दिखेगी अभी, आने वाला है। तो उसको ही अंकित ने फ़ोन किया, कितनी देर बोल रहे हो? चला हमारी गाड़ी में, हमको ही पीछे बैठा दिया। क्या चाहता है तू भाई चीकू? जस्ट जोकिंग भाई, मैंने इसको अपनी गाड़ी खुद से दी है, क्योंकि इस बंदे के ऊपर ना मेरे को ब्लाइंडली ट्रस्ट है। अब अपन निकल चुके हैं यहाँ से मेरठ की तरफ और मैं आराम से पीछे बैठ चुका हूँ। मतलब मैं अपनी फॉर्च्यूनर में ना सीरियसली बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पीछे बैठा हूँ, तो वो अच्छा भी होता है, बट दोस्तों यारों के साथ जाओ ना तो वो अच्छा भी होता है, फन मतलब मज़ा आता है। बस आज कमी लग रही है लक्की की, अगर वो भी होता तो और मज़ा आता। कोई बात नहीं यार, उसकी तो एक ही आवाज़ निकलती है, रूपा मोहब्बत गई पहाड़ में, बाबे चले पहाड़ में। भाई बाबे जाएंगे पहाड़ों में, बट थोड़ा सा टाइम और जो जा रहा है भाई, बाबे नहीं जा पा रहे, बट एक दो दो चार दिन में ना पैकिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उस व्लॉग्स को भी ज़रूर से देखना कि अपन ज़रूरी ज़रूरी आइटम जो है वो क्या लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना भाई मतलब एक अच्छी ऑफ रोड करने जा रहे हैं, और जो मेरे साथ बंदे हैं ना वो नए नए हैं, तो उनके लिए मुझे को सेफ्टी की चीज़ें क्या क्या लेके जा रहा हूँ, तो प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर से देखना। पैकिंग्स के व्लॉग आने वाले हैं कि आप ट्रैवल में क्या क्या चीज़ें रख के लेके जानी चाहिए, खास करके वहाँ जहाँ कुछ भी नहीं मिलता, एक्सट्रीम ऑफ रोड पर एक्सट्रीम चीज़ें जो हैं। काफ़ी लोगों के घर वाले जो है ना भाई उस चीज़ों को सुन के पहले कहते थे, ना बेटा वहाँ नहीं जाना, कोई दूसरी जगह चले जाओ भाई, फ्लाइट चले जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग जाएंगे भाई वाया यमुना एक्सप्रेसवे, क्योंकि मेरे को ना सबवे खाना है, चाहे हम आधा घंटा लेट हो जाएँ, 20 किलोमीटर गाड़ी ज़्यादा चल जाए, बट जाएंगे आज हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे से सबवे खाते हुए, मस्त मज़े करते हुए। बताता हूँ फॉर्च्यूनर का क्या मज़ा होता है, क्या कम्फर्ट जोन होता है। दुनिया बोलती है कि फॉर्च्यूनर कम्फर्ट नहीं है, ये नहीं है। अंकित हाउस यू फील? एक नंबर कंफर्ट गाड़ी, कंफर्ट एक नंबर है, बेड बन गया यार। तेरा कहाँ है बेड भाई? नहीं भाई मेरा बेड आगे गया, ड्राइवर बना लो सब गाड़ी बेड बन जाए। सो गाइस लुक एट दिस, ये अभी पोस्चर है मेरा, आराम से फुल रिलैक्स मोड का। हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है चिक्कू? मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तीसरे रो में जाकर, आप तीसरे रो में जाकर सो सकते हो। अरे मैं इसका बेड बना सो सकता हूं, मैं आराम से। आप इसका बेड बना सकते? अरे हम यहां पे आराम से बेड बना सकते हैं, कोई दिक्कत। ओके नाइस 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 ब्रो, बहुत ही बढ़िया सुकून मिल रहा है आज पहली बार, और खास करके चीकू ड्राइव कर रहा है तो मुझे गाड़ी की 1% टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल 1% टेंशन नहीं है। हाय चीकू, हेलो, देख रहा हूँ मैं ड्राइवर को, चिट्टी शर्ट काली पैंट। ओ भाई बिल्कुल ड्राइवर मैच कर रही है। कपड़े मैच कर रहे भाई। आप सेठी कहाँ जा? सो फाइनली गाइस अपन लोग पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे, और लिटरली भाई इतनी गंदी धूप पड़ रही है, इतनी गंदी धूप पड़ रही है। ड्राइविंग कर रहा है चीकू। चीकू कैसा फील आ रहा है तेरे को? अब जाके शांति आई है। दुनिया बड़ी खूबसूरत तो तू मिली बन के आ लगी जहान है, वफा एक दूजे नाल के भाई इंच दे पवा के एयर कम देनी तेरे शहर कम दे अगटी नीवी जी करा के भाई। फाइनली भाई लोगों अभी अपन पहुंच चुके हैं नोएडा, नोएडा नहीं ग्रेटर नोएडा ये। इस अभी अपन लोग आए हैं ग्रैंड वेनिस मॉल में सिर्फ KFC के लिए। अंकित कितनी देर से घूम रहे हैं, और अब जाके भाई लोकेशन लगा के आया, वो भी स्पेशल 7-8 किलोमीटर अंदर। भाई लुक एट दिस मॉल यार, बहुत ही अमेजिंग मॉल है ये भाई। एशिया का एक ऐसा मॉल है जहाँ पे बोटिंग होती है भाई। पीछे भाई बोल रहा था फोटो तो लिया है पर ढंग का ना लिया। क्यों ना लिया भाई, ढंग का लो।
प्रैक्टिस यार, मतलब यहाँ पे तो भाई ऑडी का भी वो लगा हुआ है यार, कोई एक आधा ऑडी अपने को भी गिफ्ट कर रहा है क्या भाई? अगर कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कौन ऑडी गिफ्ट करने वाला है अपने को। केएफसी के लिए कहाँ कहाँ आना पड़ता है भाई? बहुत सारे पैकेट्स ले लिए हमने, बस इम्पोर्टेंट गाइस, खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है भाई, बहुत ज़्यादा। बट लिटरली भाई ये मॉल है ना, एक बार को तो पसंद आ गया। हमारी गाड़ी के लिए हमारे लोग नहीं खोल रहे, जेंट्स होते छटिया। अबे अंकित अब पैकेट दे दे मेरे हाथ में, बहुत भूख लग रही है बहुत। अरे तो पूरा ही पैकेट दे दिया, अपना चोकोलावा निकाल के पूरा पैकेट दे दिया। अच्छा लोकेट दिस, अपन क्या क्या लेके आया भाई? इसमें चिकन विंग्स और पैरी पैरी, और इसमें भाई पॉपकॉर्न्स, ओहो एक्सेल पॉपकॉर्न, देख सकते हो क्या साइज है, आराम से खाएंगे बैठ के। और यहाँ वेज में वो केचप, अंकित ने अपना भाई चोकोलावा केक छुपा के रख दिया। पहले गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ऑटो में कैसे आ गए भाई, ऑटो में ऐसे आ गए, हमारी गाड़ी का है ना टायर ब्लास्ट हो चुका है, चीकू गाड़ी चला रहा था तो साइड में पैरों कवर था, उसकी भी कोई गलती नहीं थी, बस साइड से चढ़ा और टायर क्रैश हो गया, बिना बात का खर्चा हो गया भाई। टायर लेने के लिए जा रहे हैं मैं और अंकित, देखो शायद टायर कितने का आएगा, कितने का नहीं आएगा। बहुत नोएडा पसंद आ रहा था, नोएडा में किस में घूम रहे हैं? नुकसान ऑटो में, क्यों फिर भी छाती चढ़ा के पैसा बहुत है। हाँ तू दे रहा है ना, फिर बोल तू दे रहा है। सो गाइस फाइनली हम लोग एक नया टायर लेके आए हैं लिटरली भाई। अंकित कैसा लग रहा है? 20,000 रुपये का नुकसान है, 20,000 रुपये का नुकसान हुआ भाई, सीधा सीधा 20,000 रुपये का नुकसान। टायर अभी ये देखो ब्रांड न्यू टायर, अभी अपन अपनी फॉर्चुनर के पास चल रहे हैं, हाँ ऑटो में घूम रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं नोएडा में, ऐसी मस्ती भी किस काम की। ये भी हाँ ये सर, ये अच्छा मोमेंट्स है, कैप्चर हो रहे हैं, कैप्चर हो रहे हैं भाई, गया क्या कर सकते हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड ना हो ना भगवान कसम से कंपनी लगा के घर वापस जाना पड़ता है अंकित। कोई नहीं भाई, जो नुकसान किस्मत में लिखा होता है तो वो सब झेलना पड़ता है। अब चलते हैं इस टायर को फिट कराते हैं और सीधा निकलते हैं मेरठ की तरफ, आज नोएडा आना पड़ा कोई बहुत भारी, थंबनेल भी यही, थंबनेल और कंटेंट यही होगा, नोएडा आना पड़ा बहुत भारी। तो ये देखो भाई अपनी गाड़ी हो चुकी है नंगी, और नंगी होने के बाद भाई कर रहे हैं अपनी गाड़ी का टायर सेट। अब देखो शायद अच्छे से अब चल जाए, हे भगवान अब मत उतरना 60-70,000 किलोमीटर से पहले, भैया अच्छे से फिट कर देना, एक आपका ही सहारा है भाई। भाई ने तो 2 मिनट भी नहीं लगाया यार टायर कसने में, भैया यार आप तो बिल्कुल परफेक्ट आदमी हो यार। फाइनली भाई एक नया टायर एड ऑन हो चुका है अपनी फॉर्चुनर में, जो कि नॉन वैलिड था, अभी नहीं डलना चाहिए था, बट होती है ना किस्मत जब माड़ी होती है तो डलवाना ही पड़ता है भाई। ये डाउन, और ये वाला टायर देखो और वो पीछे वाला टायर देखो भाई, बहुत फर्क आ गया इसमें। चलो भाई लोगों फाइनली अब एक और खर्चा होने का टाइम आ चुका है, वो है डीजल का। तो मैंने जस्ट अभी बोला कि भाई डीजल डाल दो, और ये महाराज साहब बोलते हैं कि टर्बो डाल दो। भाई टर्बो के लायक पैसा तो होना चाहिए अपने पास। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है, तो इसका पैसा आप दोगे जो गाड़ी के टायर डला है डीजल में, फिर टर्बो डाल दो। कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब आपका पैसा हमारा पैसा सब यार। नहीं हाँ तो यारी दोस्ती में तो देना, फिर यारी में यारी दोस्ती में। अच्छा चल बाहर में जान दे, टायर भी जोड़ सब चीज छोड़े, एक किस्त भर दे गाड़ी की, ओनली वन ई एम आई, सारी भरेगा, सारी भरेगा, छोटी बात नहीं करता। गाइस ये होना चाहिए भाई जगरा, पापा से बात करो, कल से मेरी किस्त भरना चालू कर, मतलब मैं पीछे से मतलब ट्रिप पे जा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं मुझे दिक्कत आ जाएगी, वो मैं झेलूंगा तुम। अच्छा तो कोई नहीं भाई। सो भाई अभी भी एक और खर्चा हो चुका है, 4,000 रुपये का डीजल आया, 4,000 रुपये का। तो ये अच्छा लगा मुझे, इसका पेमेंट अंकित दे रहा है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। भाई इसको सारी पिन कोड पता है, अगर मेरे अकाउंट से कल को चोरी होती है ना तो सीधा सीधा शक इसी पे जाएगा मेरा। सबसे बड़ी एक चोट हो गई, अंकित ने भी याद नहीं दिलाया, चीकू ने भी याद नहीं दिलाया, जिस बंदे से अपने टायर चेंज करवाया था ना उस बंदे ने भी याद नहीं दिलवाया कि हमें इसका जो पुराने वाला जो टायर चेंज करवाया वो गाड़ी में लेके आना था, और लिटरली भाई वो भी दिमाग से उतर गई। तो अभी हम ना वापस से इसी रूट से होते हुए जाएंगे और उस बंदे से अपना टायर लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि शायद से ट्राई करेंगे यार अपना वो जो टायर है वो वारंटी में निकल जाएगा। सो फाइनली भाई लोगों अभी अपन आ चुके हैं मेरठ हाईवे पर,
हाँ भाई कैसा हाईवे? अरे एक नंबर सेक्सी है ना, सेक्सी हाईवे भाई, बिल्कुल सेक्सी हाईवे। गाइस लुक एट द भाई बैंक्वेट जो है ना, बहुत ही प्यारा बैंक्वेट है यार। वहाँ ऊपर देखो क्या सेक्सी है, मतलब यार एक नंबर। है बहुत है, इससे तो स्टार्ट ही गया है बेचारे ने। इस टाइम हो चुका है 10:30 और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमें 2 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। और अच्छे से हमें याद है कि हमें अभी यहाँ से टायर भी उठाना है नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, जहाँ हमारी गाड़ी का टायर फटा था, तो वहाँ से गाड़ी का टायर लेना है। फाइनली हम लोगों को ना टायर भी मिल चुका है। एक्चुअली टायर वाला जो था वो तो जा चुका था, और वो है ना, मतलब अंकित ने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, हम तो मोबाइल नंबर ढूंढ रहे थे उसका, जो मतलब खोखा टाइप में था, मतलब एक टीन का छोटा सा एक शॉप बनी हुई थी, उसके जस्ट पीछे वाली साइड ना हमारा टायर पड़ा हुआ था। और अंकित को देख के अंकित बोलता भैया फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, टायर यहीं पर पड़ा हुआ है। तो भाई थैंक्स टू अंकित कि उसको एकदम से टायर दिख गया, और हमने टायर उठाया सीधे डिग्गी में रखा, और एक दो तीन चोरों की तरह भाई भाग गए। चोर वाली चीज़ें नहीं करी हैं, बट हमने एक एम्प्लॉय सर्वेंट व्हाटएवर, तो हमने उसको बोल के रखा कि भैया हमारी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया था, हमने यहाँ चेंज करवाया था, हम लोग अपना टायर लेके जा रहे हैं। तो भाई कल को अगर आप कोई भी ब्लॉग देख रहा है, तो ये मत कहना कि हम अपनी चीज़ें चोरी करके लाए, नहीं भाई हम लोग बता के लाए थे। एनीवेज भाई लोगों, अभी हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर, और गाड़ी के मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया 100 पर। टाइम हो चुका है 12:03, तो यहाँ से भाई अभी 1 से 1.5 घंटा और लगेगा अपने को घर पहुँचने में। लवली गाइस टाइम हो चुका है, रात के 1:30 बज चुके हैं, और हम लोग रुके हैं मथुरा बाईपास के नीचे, ये ऊपर यमुना एक्सप्रेस वे, हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, बस 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। ये भी भाई स्लीप मोड पर चली गई वॉच। एनीवेज भाई लोगों 1:30 बज चुका है यहाँ से करीबन, अभी और हमें 1 घंटा लगेगा, मैक्स 1 घंटा। गाइस मैं आप लोगों को बताना भूल गया, चीकू भाई के साथ ना एक चोट हो गई है, चोट ये हुई थी भाई, शूज का डिब्बा रख के लाए थे नए वाला शूज, पुराने में जा रहे हैं गाड़ी में, किसी को है ना ये चीज बता ही नहीं पाया। मम्मी से पूछियो दान तो नहीं देती किसी को। भाई लोगों 2:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं भरतपुर। ठीक है चीकू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय पॉपकॉर्न, चिकन पॉपकॉर्न, KFC के हैं सामने डाल दे, कैसे भी डाल दे, चल भाई बाय बाय। हाँ गेट लगा दे भाई, आज तो अंकित आज तो थक गए भाई हैं, परसों फिर एक ट्रिप है। ओके भाई गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं आपसे। गाइज मेरा और अंकित का ना एक और ट्रिप प्लान हो चुका है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मैं एक अच्छी एक ड्राइव पे जाने वाला हूँ, एक्सट्रीम ऑफ रोड। हाँ जी भाई रिपीट कर रहा हूँ बार बार, एक्सट्रीम ऑफ रोड देखने ज़रूर, सारे व्लॉग्स देखने, आपको बहुत मज़ा आने वाला है सीरियसली। बस परसों हम लोग जाएंगे गुड़गांव, क्या काम है सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा दिखाऊँगा, बस फर्क इतना यार कि उससे पहले कुछ बीच में काम ना आ जाए। बट हमारा ये होने को तो कंफर्म ही है कि हम लोग जाएंगे, बट स्टिल फिर भी कोई काम ना आ जाए मेरे को या अंकित को, आपको लेके चलेंगे। और वहाँ से जाएंगे हम लोग हिसार, क्योंकि एक यूट्यूबर है इंडिया राइडर अमित, दिल से प्यार करता हूँ भाई, मेरा बड़ा भाई है, बिल्कुल बड़े भाई हैं, दिल से प्यार करता हूँ उस बंदे को मैं, उसके मतलब सल्यूट करता हूँ उसकी हर चीज़ को भाई, कोई बात नहीं। कभी कभी किसी का बोलते हैं टाइम ख़राब चल रहा होता है, सही नहीं चल रहा, तो मेरे अमित भाई का ना टाइम अभी बहुत बेकार चल रहा है, बट जिस दिन वो चमकेगा ना वो स्टार बनेगा भाई, स्टार पक्की बात। तो
बस परसों आप लोगों को वहां लेके चलूंगा। कल की भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, शायद से मैं पैकिंग वगैरह करूंगा तो उसका ब्लॉग भी डालूंगा। और परसों तो हम लोग खैर चलेंगे ही हिसार और गुड़गांव के लिए। तो चलो जी, अभी इस ब्लॉग को करने वाले यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना। साइनिंग ऑफ वेंडर साहिल, टेक केयर।